नमस्कार, बोलते तारे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले जीवन में क्या परेशानी आने वाली है उसके बारे में जान सकते हैं, साथ ही आपको कैसे सतर्क रहना चाहिए ये भी जान सकते हैं। तो राशिफल के बारे में जानेंगे, उसके पहले बात करते हैं। रविवार को मकर संक्रांति से खरमास का समापन हो रहा है, इसके साथ ही मांगलिक कार्यों पर लगी रोक खत्म हो जाएगी। विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य का प्रारंभ हो जाएगा। वहीं जनवरी महीने में विवाह के लिए कुल 9 शुभ मुहूर्त है, वैसे ही गृह प्रवेश के लिए केवल 4 शुभ मुहूर्त है। वाहन खरीद के लिए 5 और प्रॉपर्टी खरीद के लिए केवल 4 शुभ मुहूर्त है। आइए आपको शादियों के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। 15 जनवरी, 16 जनवरी और साथ ही 18 जनवरी, 19 जनवरी को शादी का काफी खास और शुभ मुहूर्त है। साथ ही बता दें कि 25 और 26 जनवरी और साथ ही 27 और 30 जनवरी को और 31 जनवरी को भी शादी के लिए काफी शुभ माना जा रहा है, काफी शुभ मुहूर्त है साल शादी के लिए। और ये थे जनवरी 2023 में शुभ विवाह की मुहूर्त। और अब बात करेंगे राशिफल की और जानेंगे 16 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आज के दिन आपको धन कमाने के कई अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है, दूसरे के बहकावे में नहीं आए। धार्मिक कार्य में मन लगेगा, कोर्ट और कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। खर्च और पैसों के हर तरफ के मामले की बिल्कुल बारीकी से जांच करें। आप में से कुछ लोग एक छोटे से अवकाश पर घूमने जाने वाले हैं। बेरोजगारों को रोजगार के साधन सुलभ होंगे। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दें। कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है। छोटे बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे। प्यार और मोहब्बत के मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचें। आज आपको ढेरों दिलचस्प निमंत्रण मिलेंगे, साथ ही आपको एक आकस्मिक उपहार भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन थोड़ा उबाऊ हो सकता है, इसलिए कोई रचनात्मक कार्य करके दिन को रोचक बना सकते हैं। वृष के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आ सकती है। आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग ले सकते हैं। सफलता के नए आसार खुल सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिला सकता है। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आपके घर पर अचानक से ही कोई रिश्तेदार आ सकता है, आपको उनसे बातें करके अच्छा लगेगा। धरती माँ को छूकर प्रणाम करें, घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। आज के दिन गाय को रोटी खिलाएं, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। प्यार करने वाले जोड़ों के लिए एक बहुत ही खास दिन है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा। आपको अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। समाज में आय के स्रोत प्राप्त होंगे। मान सम्मान का अनुभव बना रहेगा। धन में हानि होने की संभावना हो सकती है। घरेलू स्तर पर किया गया बदलाव सबको पसंद आने की उम्मीद है। कर के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेगा। ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचाएगा। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालत में सुधार आएगा। मुमकिन है कि आप अपने घर में या उसके आसपास कुछ बड़े बदलाव करें। रोमांटिक मनोभावों में अचानक आया बदलाव आपको काफी खिन्न कर सकता है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्द को गौर से चुनें। आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। आज बच्चों के साथ समय बिताकर आप कुछ सुकून भरे पल जी सकते हैं। और सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की और जानेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। पैसों के लेन देन के लिए दिन अच्छा है। आज आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी। लोग आपके व्यवहार से काफी प्रभावित होंगे। शाम को आप जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार में सबके साथ किसी खास मामले पर बातचीत हो सकती है। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाए, लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। और अब बात करते हैं तुला राशि की। आज नए काम करने के लिए प्रेरित होंगे। यदि आप अपने जीवन में किसी तरह के परिवर्तन करना चाहते हैं तो तुरंत कदम उठाने से लाभ होगा।
सार्वजनिक जीवन में सम्मान सम्मानित किया जाएगा। आपका शुभ समय शुरू हो गया है। सफलताओं को अपनों के साथ साझा करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार में मदद से ही आपकी आर्थिक समस्या सुलझ सकती है। व्यापार में प्रगति होगी। सभी से विचार पूर्वक बोले, गाड़ी चलाते समय सावधान रहे। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। दोस्तों के साथ मतभेद के चलते आप अपना आपा खो सकते हैं। आपको व्यर्थ के तनाव से बचने के लिए अपना जज्बात काबू में रखने की जरूरत है। दीर्घावधि निवेश से बचिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं। संभव है कि दोस्त ही आपको गलत रास्ता दिखलाएं। कोई आपको दिल से सराहेगा। सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। जीवन साथी के किसी बात को गंभीरता से ना लेने की स्थिति में विवाद हो सकता है। छुट्टी वाले दिन काम करने से ज्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता। मुमकिन है कि आज आपको पूरे दिन इस झल्लाहट से जूझना पड़े। और अब बात करते हैं धनु राशि की। आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि में जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में समरसता आएगी। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, सब कुछ आपके अनुकूल रहेगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। आज आप अपनी कार्यशैली में बदलाव करके ऑफिस में पदोन्नति हासिल करेंगे और आपके नए विचार की प्रशंसा होगी। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। रुके हुए कामों की शुरुआत हो सकती है। आपके विचारों को सम्मान मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार के योग बन रहे हैं। सेहत पर ध्यान दें। आपका खर्च बढ़ सकता है। आज वह दिन है जब आप पूरी तरह से आराम करना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि आपके परिजनों की कुछ और ही योजना है, इसलिए तैयार रहें और खींचे नहीं तो पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। अपने जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले सोच लें। अगर मुमकिन हो तो इससे बचें, क्योंकि इन बातों के बाहर फैलने का खतरा है। आपके महंगे तोहफे भी अपने प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वे उनसे कतई प्रभावित नहीं होंगे। आज के दिन आपकी योजनाओं में आखिरी पल में बदलाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। और अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। कोई बड़ा काम संतान की मदद से पूरा हो जाएगा। माता पिता का सहयोग भी बन रहा रहेगा। शाम को माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। किसी अपने से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारी आ सकती है, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अनाथालय में कुछ दान करें, आपके साथ सब अच्छा होगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।